यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं घोलाचीका में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाखड़ा डैम में पानी खत्म होने की समस्या के लिए सुरजेवाला ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबंध का इस बांध का निर्माण करवाया था, उसके बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। भाखड़ा डैम बांध में पानी खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। तो यहां पर आपको बता दें कि पानी की समस्या पर सुरजेवाला ने बोला है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि भाखड़ा डैम में जो पानी है वो खत्म होता जा रहा है, पानी की समस्या पर सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रेवाड़ी और बावल का दौरा किया। खुली जीप में सवार दीपेंद्र हुड्डा के साथ कार्यकर्ताओं ने बाइक रोड शो निकाला और बनीपुर चौक से बावल तक और राजीव चौक से अंबेडकर चौक तक जुलूस निकाला गया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बावल में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को भी संबोधित किया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के राज में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने पर बीजेपी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब दाम बढ़ने पर ये चुप है और इन्हें अब पूर्ण रूप से नग्न होकर प्रदर्शन करना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने लोगों को जनक्रांति रथ यात्रा के समापन में 30 जून को पुनहाना पहुँचने का भी न्योता दिया है। हमारे बीच में हमारे